अच्छा लग रहा है देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद स्पेशल। आज मेरा गला जो साउंड कर रहा है उसको इग्नोर करो, क्योंकि मेरा गला एकदम बैठ गया, मतलब कोल्ड की वजह से। आज है वेडनेसडे, आज हम लोग दोपहर में खाना खा लिया, अभी बज रहा है 1:30। स्वीटी अभी आके अभी तैयार हो रही है। कल स्वीटी का छुट्टी है, क्योंकि कल दशहरे का छुट्टी हिसाब से कल छुट्टी है, यहाँ पे छात्रों का भी छुट्टी है। और तो कल छुट्टी है तो आज थाने जाऊंगी, थाने क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है वो, काफ़ी एक घंटा तो होता है, एक डेढ़ घंटा, और आते आते काफ़ी लेट हो जाता है ना। जैसे कल काफ़ी लेट हो गया था, 30 बजे से सोचा आज चली जाओ, तो कल छुट्टी है, वो भी रेस्ट कर पाएंगे, सांतनु भी रेस्ट कर पाएंगे। और मैं कल क्या क्या लाई वो दिखा दूँ। कल ये कुड़मुड़ा लाई, क्योंकि कुड़मुड़ा ख़त्म हो गया था। ये सारे कोलकाता से आते हैं, कोलकाता से लेके आते हैं। और ये एक सिंदूर है पूजा के लिए सारे। और ये है गोविंद भोग चाल, जिससे हमारे खीर बनता है, जैसा अम्बे मोहन होता है ना वैसा है, लेकिन फ्रेग्रेंस थोड़ा सा अलग होता है अम्बे मोहन से। ये बहुत छोटा छोटा टाइनी टाइनी राइस होता है, फ्रेग्रेंस टाइप का राइस, पुलाव या हमारे जो खीर होता है वो इसी से ही बनता है। और ये अलग टाइप का एक घी है, झोरना घी बोलते हैं, जो बंगाली है उनको पता रहेगा। ये थोड़ा सा मतलब कैरामल टाइप का होता है, इसका खुशबू नॉर्मल हमारे जो येलो घी होता है ना उससे एकदम ही अलग होता है। ये हमारे राइस के साथ खाया जाता है, मतलब प्लेन राइस के साथ। और ये लाई, इसको बोलते हैं कुलो, कुलो मतलब पहले राइस देके ऐसा ऐसा करते थे, उसी का एक डिज़ाइन टाइप का। लक्ष्मी पूजा में मैं इसको यूज़ करूँगी, बहुत सुंदर डिज़ाइन टाइप का है, यहाँ पे कलर किया हुआ है। ये इस टाइप का जैसा होता है ना ऐसा ही यहाँ पे कलर किया हुआ। और बोड़ी लाई, ये मटर दाल की बोड़ी होता है, मटर दाल एक अलग टाइप का दाल होता है जो वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, मैंने देखा है। और ये है उड़द दाल की जो बड़ी होता है। और दो चीज़ लाई, ये इस टाइप का मुकुट जैसा दिख रहा है, ये मैं मेरे लक्ष्मी का जो मूर्ति है उसके लिए लाई। ये ऊपर का मुकुट होता है, ऐसा करके होगा, डिज़ाइन टाइप का है। और इसको बंगाली में बोलते हैं चांद माला। ये जो है ना इसका काफ़ी सारे डिज़ाइन में मिलता है, मतलब बहुत बहुत सुंदर सुंदर सोला से बनाया जाता है। ये सोला एक प्लांट होता है, उसी से बनाया जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन में बनता है, बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन ये बहुत सिंपल वाला है, क्योंकि कोलकाता से लेके आना ना सोला के कुछ भी प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत फ्रजाइल टाइप का है, ये बहुत ईजिली टूट जाता है, तो इसीलिए इतना छोटा छोटा ही वो लोग लेके आए थे, क्योंकि उतनी सारे सामान कोलकाता से लेके आना भी मुश्किल होता है ना जो बेचते हैं। ये सारे सामान को बोलते हैं दशकर्म भंडार का सामान, मतलब दशकर्म भंडार मतलब जो भगवान के सामान रखते हैं या उस टाइप की रिलेटेड चीज़ें रखते हैं उनको दशकर्म भंडार, वो सब दुकान को बोलते हैं बंगाली में, जो बंगाली से उनको पता रहेगा। स्वीटी मेरे एक फ्रेंड के घर आज कन्या पूजा होता है ना, मतलब कंचक भी बोलते हैं कुछ कुछ जगह पे, कंचक ही बोलते हैं ना सांतनु, हाँ सांतनु के वहाँ पे कंचक बोलते थे, हमारे वहाँ पे कन्या पूजा बोलते हैं। तो कन्या पूजा के लिए अभी स्वीटी स्कूल से आके नहा के अभी गई है। देखो स्वीटी आ गई, बिंदी लगा के आ गई, हाँ कितना सुंदर लग रहा है बिंदी। क्या क्या गिफ्ट लाए, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं ये आंटी के पास। और छोले पूरी तो है ही ना, हाँ छोले पूरी है। और ये देखिए छोले पूरी, और इसको क्या कहते हैं ये हलवा। स्वीटी खाना खा रही है, स्वीटी इसीलिए बोला ही था आज आंटी का घर पे तो होगा ही, क्योंकि आंटी ने सुबह फोन किया था, स्वीटी स्कूल गई थी। संगीता जो गणपति में जो फुचका पानी पूरी का जो पानी पूरी खा के जो फ्रेंड बोला था ना कैसा बना है, या खाने का जो भी रिव्यू दिया था जो फ्रेंड, वो है संगीता। वही बच्चों का बहुत फेवरेट है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का, क्योंकि वो आंटी के घर कभी भी कुछ भी जाओ या आंटी आए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेंगे। अष्टमी के दिन हमें तो बहुत अच्छा अच्छा खाना होता है, और उनका छोले बहुत अच्छा होता है। तो अभी स्वीटी खाना खा रही है, दिखाती हूँ, ये देखो स्वीटी क्या खा रही हो, छोले हलवा। ও তোরা ছোলা খেতে পারবি? তা রেখে দিবি আমার জন্য, আমি একটু টেস্ট করে দেখে নেব। এ দেখো ব্যাঙ্গলস ভি কিতনা সুন্দর হ্যায়, বাচ্চোকে ইয়ে সব চিজে বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়। আর উসকো ক্যা ক্যা গিফট মিলা হ্যায় ও দিখাতি হুঁ, বহুত সুন্দর সুন্দর চিজে, মেরি কাম কা চিজ মিল গয়া মুঝে।
और अभी स्वीटी क्या क्या गिफ्ट लाई है दिखाती हूँ। मेरा फेस थोड़ा स्टिकी स्टिकी लग रहा है। देखो ये देखो, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहन लूँ? हाँ देखो अच्छा लग रहा है ना, सिर धोते एक तो ऊपर दिखो टे। देखो मैंने ये पहन लिया, ये स्वीटी को मिला है गिफ्ट में, तो मैं पहन लिया, अच्छा लग रहा है। हाँ जैसे वो फेरी लैंड का फेरी पहनता है ना वैसा वाला। और स्वीटी को और एक गिफ्ट मिला है, वो भी मेरे काम का है, वो भी दिखा देती हूँ, वो भी मैं अभी पहनूंगी। ये छोटा सा टाइनी टाइप का एयरिंग दिख रहा है, ब्लैक के साथ एक डायमंड टाइप का है, छोटा सा क्यूट सा है, ये भी मैं पहनूंगी। स्वीटी धर, ये भी मैं पहनती हूँ क्योंकि ये मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग हो रहा है। देखो देखो मम्मी गिफ्ट पहन रही है, बट ये मेरा है। ये देखो मैं भी पहन लिया, अच्छा लग रहा है ना। ये देखो स्वीटी ने ये पहना, ये भी गिफ्ट में मिला है, कितना सुंदर है। और क्या मिला है, दोनों मिला है, और क्या क्या मिला है वो तो दिखा दो। हाँ ये एक रबर बैंड, कितना क्यूट सा है, फ्लावर फ्लावर, ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगा, चले, ये वाला। हाँ हाँ और क्या मिला, और एक हेयर बैंड मिला, ये देखा खोले, ये एक बैंगल्स मिला है इस टाइप का झुमके के साथ, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। स्वीटी हाँ थोड़े से रेड ड्रेस का साथ अच्छा लग रहा है, देखो उसका एक रेड ड्रेस है उसके साथ अच्छा लगेगा, तो मैं पहन लिया, अच्छा लग रहा है देखो। और ये कान का है और एक कान, हाँ मैंने दोनों कान का ही पहना, अच्छा लग रहा है ये भी, लेकिन ब्लैक वाला ये ना पीछे में ऐसा करके बांधू तभी अच्छा लगता है, दिखता है, नहीं तो दिखता ही नहीं है। चलो अभी तैयार हो जाए क्योंकि अभी जाना भी है, और अभी 4:45 बज गया, तो 4:30 या 5 बजे निकलूंगी। अभी हम तैयार भी हो चुके हैं और अभी बज रहा है 5:45, तो अभी थाने जाने में 1 घंटा तो लगेगा आराम से। और मैंने आज ये वाला साड़ी पहना है, और आप सबको गेस करना है ये साड़ी किसने दिया था, अभी गेस करो। जिन्होंने मेरी प्रीवियस व्लॉग्स देखा है उनको पता रहेगा, लेकिन देखती हूँ कितने कितने फ्रेंड्स को याद है। और ये एकदम ट्रेडिशनल जो बंगाली दुल्हन पहनती है वैसा वाला, थोड़ा सा ही पहना, मतलब ये बंगाली घरों पे ना ये डेली बेसिस पे पहना जाता है, अभी बहुत कम बंगालीज पहनते हैं, लेकिन क्योंकि पहन के काम करना भी बहुत मुश्किल होता है और जो बैंगल्स है वो भी खराब हो जाता है, तो आप लोगों के लिए। और बड़ा वाला बिंदी ये आपके लिए पहना है, और एक दिन पहनूंगी। और स्वीटी और शांतनु ने आज ये ड्रेस पहना है, दोनों मैचिंग मैचिंग थोड़ा बहुत, लेकिन वो अभी बेचारा आवाज नहीं कर रहा क्योंकि उसका बैटरी नहीं है। ये शांतनु का शूज अच्छा लग रहा है। और आज का वेदर पूरी क्लाउडी, छाता लेके आई हूँ, पता नहीं बारिश होगा, देख के लग रहा है, देखो क्लाउड, क्योंकि अभी कितना बज रहा है, 6 बजे इतना क्लाउड आना ना खतरनाक है, तो चले क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये है थाने का प्रवेश द्वार बोल सकते हैं, वेलकम टू थाने। अभी हम लोग थाने एंटर करेंगे। सारे फ्रेंड थाने से हैं, उनको हाय, बहुत ही जब भी आ थाने आती हूँ अच्छा लगता है।
छाता लेके क्यों खड़ी हूँ, बारिश शुरू हो गया। देखो अच्छा लगता है घूमने के टाइम बारिश, थाने में बारिश हो रहा है। इतना दूर तो आई मुंबई से दुर्गा पूजा देखने के लिए, और अभी हमारा यहाँ पे एक दुर्गा पूजा देखना हो गया टिकू जिनीवाड़ी के साइड में। हाँ टिकू जिनीवाड़ी जिनको पता है, जो फेमस है मतलब वीकेंड के लिए, उसके जस्ट सामने है। और एक जगह जाएंगे हीरानंदानी जो थाने है वहाँ पे ही ग्राउंड पे हाईलैंड पार्क। हाईलैंड पार्क हाँ, मुझे नाम नहीं याद है, हर बार वही सिर्फ दुर्गा पूजा में ही आती हूँ। तो चले अच्छा लग रहा है, मतलब लाइट देखे यहाँ पे। और एक शेरावाली था, और उसके बाद जाएंगे दादर। तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि वो थाने पे मुंबई से बहुत दूर ही हो, लेकिन बारिश में ना मेरे, मैं पूरा भीग गई, मेरा साड़ी भी भीग गया। ये बारिश अच्छा लगता है। नाम है रीमा। रीमा बहुत स्वीट है और उसकी डॉटर भी बहुत स्वीट है, और तुमसे मिलके रीमा बहुत अच्छा लगा। आई होप नेक्स्ट ईयर दुर्गा पूजा में थाने में फिर से हम लोग मिलेंगे। और एक फ्रेंड मिल गया एकता, उसका बच्चा बहुत स्मार्ट है।
हमेशा बंगाली जो है उनका स्टेज शो चल रहा था तो काफ़ी आवाज़ आ रहा था और वो सब गाना तो आप सबको सुना नहीं पाऊंगी कॉपरेट के वजह से नहीं। उसका गला बहुत सुंदर, रियल कि स्टेज शो में बहुत कम सिंगर है जो बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं शिवाजी पार्क, शिवाजी पार्क 10:30 बज गया, दादर शिवाजी पार्क जाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहेगा और कल छुट्टी है ना, और काफ़ी मतलब भीड़ था यहाँ पे, और कल दशहरा, यहाँ पे दशहरा कल है और हमारे तो परसों है, तो अभी चले। यहाँ पे एक दुर्गा पूजा होती है और कल शायद रैली भी होगा, लेकिन पार्किंग ढूंढू अभी सबसे मुश्किल ही काम है। एकदम अजीब सुनाई देगा मुझे, थोड़ा गंभीर जैसा अजीब लग रहा है, उसको इग्नोर करो क्योंकि गला पूरा बैठ रहा है, पता नहीं कल तो एकदम बंद ना हो जाए, नहीं गर्गल करूंगी अभी सचमुच, नहीं तो एकदम बंद होगा ना तो बस अब सबसे बात ही भी नहीं कर पाऊंगी। और अभी बज रहा है 1:30 क्योंकि घूमते घूमते, और शिवाजी पार्क में इतना ट्रैफिक था ना, और कल शिवसेना का रैली है इसीलिए पूरी शिवाजी पार्क एकदम पुलिस और जो फोर्स में एकदम घिरे हुए थे, और इसीलिए पार्किंग का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग जब आ रहे थे ना, कब कितना बज रहा है 1:15 या 1:10 होगा, तब भी सारे ठाकुर देखने आ रहे थे, तो सोचो सिर्फ हाँ शिवाजी पार्क में बंगाली जितना जाते हैं 50% मराठी भी बहुत जाते हैं, क्योंकि वो एरिया पे दुर्गा का वो एक बहुत पुराना भी पूजा है, वो कुछ फैंस ने बोला था कुछ वो बड़ा वाला लाल वाला बिंदी पहनना और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनना, तो थोड़ा बहुत पहना क्योंकि बाहर में भी ना उतना ज्वेलरी पहन के खुद मतलब थोड़ा अजीब भी लगता है, और अगर किसी का शादी हुआ तो ज़रूर पहनूंगी। हाँ मेरे कज़न वज़न है ना, उनका शादी हुआ तो ज़रूर बहुत ढेर सारा और भी मतलब होता है ना, एकदम ट्रेडिशनल लुक में सजूंगी। स्वीटी क्या कर रही है आके, हाँ स्वीटी क्या वीडियो देख रही है, वो क्या देखती है पता है, मियाँ देखती है, मियाँ और जो बच्चे वाला वीडियो है था वो ऐसा वाला देखते नॉर्मली, इसको टाइम नहीं मिलता है ना, अभी आप भी देखिए बहुत दिनों बाद मोबाइल को हाथ लगाने का मौका मिला है क्योंकि अभी कल छुट्टी है, कल दशहरा है ना, नहीं कल हमारे नवमी है लेकिन यहाँ पे दशहरा है इसलिए छुट्टी है स्कूल में, शांतनु का भी ऑफिस में छुट्टी है तो छुट्टी का मजा ले आ जाए। मुंबई की फेमस दुर्गा पूजा है वो कल के वीडियो में शेयर करूंगी, नवरात्रि के दिन का जो हमारे नवरात्रि के दिन का सेलिब्रिटी वाला या जो ओल्ड पूजा है मुंबई का, जो मतलब बोलते हैं ना मुंबई वो सारे पूजा के लिए बहुत फेमस है, तो वो कल के वीडियो में जरूर शेयर करूंगी, इसके लिए आपको वो वीडियो चेक करना पड़ेगा कल के वीडियो। और एक बात मैं बोलना भूल गई सुबह में भी कल के वीडियो में, क्योंकि जो कल जो आंटी एक मिली थी ना मेरी मम्मी का एज की थी, उनका नाम मैं भूल गई, वो स्पेशली वाशी में आए थे मेरे लिए,
क्योंकि मैंने वीडियो में भी बोला था और इंस्टा में भी बोला था मैं वासी उस दिन जाऊंगी, मेरे लिए वेट कर रहा था। वो कितनी बड़ी चीज है वो आप समझ लो, मतलब मैत्री के लिए कोई, वो भी मेरी मम्मी के एज का, उतना एज में उनका घुटनों में भी मतलब पैर में भी दर्द होता है ना, वो एज में मेरा ही पैर में दर्द हो रहा है, तो मुझे वो इतना मतलब मेरे दिल को छुआ ना। और उन आंटी का नाम मैं सचमुच भूल गई, उनका एक छोटा सा पोती था वो भी बहुत क्यूट था, मुझसे बात कर रही थी, और एक फ्रेंड से मिली वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दोनों का नाम मैं भूल गई, स्वीटी को भी नहीं याद आ रहा है। तो अगर आंटी मुझे मेरी ये वीडियो आप देख रहे हो तो ज़रूर कभी ना कभी फिर से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप तो खारगढ़ में ही हो ना, वासी में नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट दुर्गा पूजा में तो ज़रूर मिलेंगे, या कभी ना कभी वासी में भी ज़रूर मिलेंगे, मीटअप अगर करूँगी तो आप ज़रूर आना आंटी, क्योंकि आप आए ना बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कल के वीडियो में मैं ये मेंशन करना भूल गई, क्योंकि आंटी मेरे लिए वेट कर रहे थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आज भी जो जो फ्रेंड्स मिले ना, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, एक फ्रेंड्स तो वहीं पे रहते हैं जो थाने जो पूजा हो रहे थे वहीं पे बोल रहे थे चलो मेरे घर चलो, काफ़ी लेट हो गया था ना, और उसका बेटा भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा लगता है ये सारे फ्रेंड्स से मिलना, स्पेशल मोमेंट है बस, इसके अलावा और कुछ अब सोच लो क्या हो सकता है मेरे लिए। आज का वीडियो मैं यही एंड करूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, हाँ स्पेशली ये लुक के लिए तो लाइक तो बनता ही है अगर अच्छा लगा तो, और मेरी चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी ये यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा, इसलिए नीचे एक रेड कलर की बटन आता है, नहीं तो यहाँ पे कहीं पे मेरी एक फेस का फोटो आएगा उसको क्लिक कीजिए अगर हो जाएगा। तो अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 गुड नाइट। लाइट ऑफ कर देगा रुका, और फिर थोड़ा सा और बाय कर लो, बाय 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 बाय, आवाज आएगा बाय। कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल स्पेशल दुर्गा पूजा जो मुंबई के लिए जाना जाता है। चलो बाय, फैन चला दिया साथ उन्होंने।